बेसिकली ये एक TRX इक्विपमेंट है। दिखने में तो एकदम सिंपल लगता है कि एक बेल्ट है, बट ये इक्विपमेंट से हम लोग मोर देन 500 एक्सरसाइजेस इस पर कर सकते हैं। ओके, अगर शोल्डर रहा, एब्स रहा, लेग्स रहा, कुछ भी वर्कआउट रहा, इस पर हो जाता है। और ये भी एक अमेरिकन ब्रांड है, तो दिस इज़ TRX अमेरिकन इक्विपमेंट। एंड ऐसे हमारे पास 3 बेल्ट्स है TRX के, तो इस पर बहुत सारी कंडीशनिंग होती है। और इसका जो बेनिफिट होता है कि यहाँ पे बॉडी वेट यूज़ करना पड़ता है, यानी द पर्सन हैज़ टू यूज़ हिज ओन बॉडी वेट टू एक्सरसाइज। तो जिसमें जो मसल की एबिलिटी बढ़ानी है वो हम अचीव कर सकते हैं इस पर। ओके, और सो ये प्रकार का इक्विपमेंट है जो हमने अभी ऊपर बात किया था कि वी हैव द बेस्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम अमेरिका। सो दिस इज़ प्रकार फंक्शनल ट्रेनर। सो अगेन ये विद वेट्स और प्लेट्स के साथ आता है, इसमें भी सारे बॉडी के एक्सरसाइज होते हैं। सो जो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, जो स्पोर्ट्स पीपल आते हैं, तो इस पर भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज करते हैं, हो जाए अपर बॉडी का हो या लोअर बॉडी का हो या कोर मसल स्ट्रेंथ हो, तो ये सारी चीज़ इस पर हो जाती है। ये हमारा लेग मशीन है, तो बेसिकली बहुत सारे लेग्स के एक्सरसाइज जो होते हैं, जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं, तो पेशेंट्स का बेसिकली मसल्स इंप्रूव करने के लिए क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, इनर थाई मसल्स है, आउटर थाई मसल्स है, तो ये बहुत ही उपयोगी मशीन है और ये बहुत ही यूज़फुल है पेशेंट्स के लिए। एट द सेम टाइम बहुत सारे जिम्स में हम देखते हैं कि पीपल नेग्लेक्ट द लोअर बॉडी, सबको खाली अपर बॉडी बनानी रहती है। यहाँ पर डिफरेंट रहता है कि वी आर डूइंग लॉट ऑफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड वी सी दैट वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द लेग्स एंड दिस मशीन हेल्प्स अस अ लॉट। दिस इज द ओल्डेस्ट मशीन। दीज आर द सैंड बैग्स, और बेसिकली दीज आर यूज फॉर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। एंड देन वी हैव वेरियस काइंड ऑफ टायर्स अगेन टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड कंडीशन ऑफ द प्लेयर डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ही प्लेस। देन वी हैव मेडिसिन बॉल्स, देन वी हैव दिस फोम रोलर्स, देन वी हैव एंकल वेट्स। और ये बहुत ही अच्छी एक इक्विपमेंट है, ये जो है दिस इज़ अ शोल्डर व्हील, मराइनर्स व्हील। सो ये बेसिकली जिसको शोल्डर्स की प्रॉब्लम रहती है, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया या किसी का शोल्डर ऑपरेट हुआ है, जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन का शोल्डर ऑपरेट हुआ है, अभी उनको रेंज इम्प्रूव करना है, तो ये ऐसा एक मूवमेंट होता है जहाँ पे शोल्डर रोटेशन बोलते हैं उसको। तो ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन अगेन साइडवेज, तो डिपेंडिंग ऑन द फेजेस ऑफ हिज ट्रीटमेंट वी स्टार्ट ट्रेनिंग देम ऑन दीज इक्विपमेंट्स। देन वी हैव वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ थीरा ट्यूब्स। ओके, तो इस पर भी डिपेंड होता है कब कौन सा ट्यूब यूज़ करना है। जहाँ पर अगर हमको किसी का स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना है मसल की, तो हम लोग लाइटर रेसिस्टेंस का ट्यूब यूज़ करते हैं और मोर रेपिटेशंस करवाते ताकि मसल की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। देन वी हैव अ मल्टीपर्पज़ जिम जहाँ पे शोल्डर्स, लेग्स, योर एब्स, एवरीथिंग वर्क्स आउट ऑन दिस। ओके, सो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज इक्विपमेंट ओवर हियर। देन वी हैव अ लैडर ऊपर, सो स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों का हाइट बढ़ाने के लिए, कोर वर्कआउट करने के लिए ये हमने लैडर लगवाया है। ये एक स्पेशल लैडर हमने कस्टम मेड बना के उसको लगवाया है। फिर ये है बोसू बॉल्स। सो दीज आर बेसिकली इनस्टेबिलिटी बॉल्स। सो व्हेन यू स्टैंड ऑन दिस यू विल नेवर हैव स्टेबिलिटी, लाइक द बॉडी ऑलवेज शेक्स, स्पेशली इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन वन लेग। सो जिसका भी जो ऑपरेशन वगैरह होता है, तो उनका प्रोप्रियोसेप्शन इम्प्रूव करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। और स्पेशली स्पोर्ट्स पीपल आफ्टर दे गेट इंजुरी, आफ्टर दे गेट ऑपरेटेड, वी यूज़ दीज मशीन्स टू इम्प्रूव देयर प्रोप्रियोसेप्शन सो दैट द लिगामेंट स्टेबिलिटी बिकम्स बेटर। ओके, देन वी हैव दीज आर केटल बेल्स। सो अगेन दीज केटल बेल्स आर वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। ओके, देन वी हैव द बेसिक साइकिल्स, देन वी हैव दिस बॉक्स जम्प्स। So these box jumps again for athletes, for patients to improve their strength, to improve the lower body conditioning. This is a flow-in. Again जैसे TRX रहता है वैसा ये flow-in रहता है, तो इस पर भी हम body के सारे exercises कर सकते हैं, जितने exercises आप चाहो उतना कर सकते हैं। बेसिकली ये खाली शोल्डर वर्क नहीं हो रहा है इसका, शोल्डर के साथ इसका कोर वर्कआउट भी हो रहा है, बिकॉज ही इज़ यूजिंग हिज ओन बॉडी मसल्स टू डू द परफॉर्मेंस। जैसे ये लेग्स, सो नाउ ही डज अ लंच ऑन दिस। नो, नॉर्मल आप ज़मीन पे लंच करते हो और स्लाइड करके लंच करते हो, दोनों में बहुत फ़र्क रहता है। तो ये सब हमको सिखाना है बाकी के स्पोर्ट्स ओरिएंटेड लोगों को कि डिफरेंस क्या रहता है और ट्रेनिंग कैसे कराते हैं। ये अपना क्रॉसफिट है, दिस इज़ अगेन अ यूनिक मशीन। ओके,
दिस इज 8-in-1 मशीन, यहाँ पे 8 से 9 एक्सरसाइज एक साथ कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली कॉल अ क्रॉसफिट। सो क्रॉसफिट ट्रेनर है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द ट्रैम्पोलिन, वी हैव मेडिसिन बॉल्स, वी हैव अगेन द बॉक्स जम्प्स, वी हैव अ पंचिंग बैग, वी हैव केटल बेल्स, ओके, वी हैव द ड्राइवर्स बार, एंड वी हैव द फंक्शनल ट्रेनर ओवर देयर इनसाइड। सो वी कैन डू टू मेनी थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ फंक्शनल ट्रेनर, ऑन द फंक्शनल ट्रेनर यू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ, वी हैव द पुल अप बार, ओके, सो यू डू अ पुल अप्स ऑन दिस, यू डू अ कोर वर्कआउट ऑन दिस, एंड दिस इज अ ड्राइवर्स बार, ओके, बैक वर्कआउट ऑन दिस, यू कैन डू इट। सो ये सर्किट वर्कआउट करते हैं, ओके, सो इन 45 मिनट्स यू हैव टू डू टू सर्किट्स बैक टू बैक। So this is very good for all the sports people who want to really improve the strength and conditioning of the muscles, okay? And then we have the cardio section outside. So I just want to show you this. So these are Precor's treadmill. This is concepts to rowing machine. That is concept to skier. So Nashik mein nobody uses a skier and a rowing machine. Okay, people are more into treadmills, but we have a different concept that it is not just treadmill which you work out to just improve your cardio, but these are also the same concepts where you work out aur aapka cardio aap improve kar sakte ho. So hamare paas bahut sare ideas hai ki khali cardio ke liye bhagna important nahi hai, cardio ke liye bahut sari alag alag cheeze jisse aapka cardio performance improve ho sakta hai. To jaise rowing machine hai, there is a skier. I'll just demonstrate how the skier has to be done full body. So jaise aap jo mountains mein vagera jate ho and you do skiing and all, so this works on the same concepts. So it's a full body cardio workout. Similarly that's a rowing, so rowing pe bhi the concept is the same. You are not just using your lower body, but you are using your upper body also. So again this works on the cardio work. So hum log isme target set karte hain. Generally jab aap gym mein jate ho to aadha ghanta bhag liye, 45 minutes bhag liye, aisa nahi hota hai. We give them targets that in 30 minutes you should at least cover so and so distance, in 15 minutes you should cover so and so meters. So jo agar target se hum kaam kar sakte hain, then we can see improvements in our sports people. So this is what our center is all about. कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास एक ही ट्रेनर था, ओके, और आज दो साल के अंदर by God's grace I have 3 physios working with us, I have 10 trainers working with us, and all my trainers I make sure 2 of them are doing ACSM certification course of personal training, which is the highest training course, that is American College of Sports Medicine. The other trainers are also slowly upgrading, they have done kettlebell certification, they have done functional training jo main sikhata hu, aur maine 2-3 workshops Morbi mein liye hai, 2-3 workshops abhi main Ahmedabad mein lene wala hu, main Ludhiana jaunga padhane ke liye. To ye hamara continuous process rehta hai ki jo modules humne design kiye sports person ke liye, to hamare trainers seekh le taki wo same modules follow kare, aur baki bhi hum jaake in log ko sikha sake taki sab log ye modules follow kare, so that अपने जो हम लोग जो रिजल्ट चाहते हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सन से, वो रिजल्ट हमको मिले, बिकॉज वी वॉन्ट आवर कंट्री टू कम अप इन स्पोर्ट्स एंड वी वॉन्ट द इंडियन फ्लैग टू गो फ्लाई हाई.